नौकरी पाना चाहते हैं वो भी आईएफ में यानी इंडियन एयरफोर्स में नौकरी पाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से यंगस्टर ऐसे हैं जो सपना देखते हैं कि हम भी एयरफोर्स में जाएंगे और अपनी किस्मत का सिक्का आजमाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि यहाँ पर आईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स नोटिफिकेशन 2024 जो है वो रिलीज हो चुकी है और साफ तौर पर आपको बता दें कि अब आप लोग अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं और आप इंडियन एयरफोर्स में जॉब भी पा सकते हैं। बहुत सारे युवाओं की बात करें तो वो ये सपना देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एज पर पहुंचकर उन्हें यही जॉब करनी है, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी खबर है और वक्त भी बहुत बेहतरीन है, आप लोग इसमें जॉब पा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि फॉर्म जो है यानी आप विंडो ओपन हो चुकी है और आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो भर्तियां हैं ये निकली हैं इंडियन एयरफोर्स के AFCT में यानी एयरफोर्स कमीशन एडमिशन टेस्ट जो है वो शुरू होने वाले हैं जो 304 सीट्स के लिए होंगे। 20 मई 2024 को इसकी एक नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी जिस रिलीज में ये बताया गया था कि इसका विंडो जो है वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है। 30 मई 2024 को विंडो ओपन हो चुका है, 28 जून 2024 तक जो है ये लास्ट डेट है। इसमें बहुत सारी जॉब्स हैं लेकिन आपको मुझ पर ट्रस्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा होमवर्क करना होगा, आपको खुद इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, IAF पर जाना होगा यानी इंडियन एयरफोर्स पर आपको जाना होगा और आपको खुद ये पता करना होगा कि वाकई में जॉब आई है या नहीं आई, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं फेक है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप अपना होमवर्क जो है वो कर लीजिए, IAF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर जाकर लॉग इन करें, आप लोगों को पता चल जाएगा कि 304 सीट्स है, 304 सीट्स के लिए आपको क्या करना है वो मैं अब आपको बताऊंगी। यानी अभी जिस तरह से बात करते हैं 20 मई को नोटिफिकेशन आया था, 30 मई से फॉर्म लगना शुरू हो गए हैं, ये फॉर्म जो है 28 जून तक लगेंगे और इसके साथ साथ क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, आप किस तरह से इसमें फिट बैठ सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि IAF AFCT में आपका बच्चा जो है वो एडमिशन ले सके तो उसके लिए आप लोगों को काम करना होगा। सबसे पहले जो पोजिशन वेकेंट पोस्ट है उसमें बात करते हैं, ये 3 ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, यानी तीन है इसमें, यानी फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी है टेक्निकल और ग्राउंड ड्यूटी है नॉन टेक्निकल। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को विजिट करना है IAF की वेबसाइट पर जहां पर आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, लेकिन आपकी क्या डिटेल्स रहेंगी उसके बारे में आपसे जो है वो बात करते हैं। AFCT की बात करते हैं, उसमें 29 सीट्स हैं यानी फ्लाइंग के लिए 29 सीट्स हैं, AFCT के ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 156 सीट्स हैं, जिसमें 156 में अगर कैटेगराइज की बात करें उसे बांटा गया है एयरनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में जिसमें 111 सीट्स है, दूसरी आ जाती है नॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल जिसमें 45 सीट्स है। AFCT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एडमिशन के एडमिन की जो है वो 54 सीट है, लॉजिस्टिक की 17 सीट्स है, अकाउंट्स की 12 सीट है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात करते हैं जिसमें 9 सीट्स हैं, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की अगर बात करें उसमें जो है जानू नायक है मेरे साथ, वो मुझे पूछ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन और एज बताइए। आप यकीन मानिएगा आपको सारा कुछ इस खबर में मिलेगा लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप इस खबर को सुनना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पोस्ट के बारे में बता रही हूं इसलिए आप लोग सुने। देखिए मैंने आपको बताया कि यहां पे फ्लाइंग में तीन ही सीट्स है, यहां पर फ्लाइंग है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल है, फ्लाइंग में 29 है। अब जहां पर ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करते हैं, 156 को किस तरह से डिवाइड किया है, एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स AE को 111 सीट में, एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल 45 सीट में। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल को देखिए किस तरह से यहां पर किया गया है, मतलब किन हिस्सों में बांटा गया है, 54 सीट्स है एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एडमिन ब्लॉक की है, लॉजिस्टिक की 17 है, अकाउंट्स की 12 है, नॉन ड्यूटी की 9 है, नॉन ड्यूटी टेक्निकल की 17 और मेट्रोलॉजिकल एंट्री 10। अब आगे बात करते हैं आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आप एलिजिबल है या नहीं। अब देखिए यहां पर जो बच्चे हैं जिन्होंने मिनिमम पास 10+2 लेवल पास किया है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स में और उनके पास कोई होल्ड 1 एडिशनल डिग्री होनी चाहिए, जिस तरह से ग्रेजुएशन जो होगी 3 ईयर की डिग्री उनके पास 60% जो है उसमें मार्क्स होने चाहिए। BE BTech डिग्री की है जिसमें आपने 4 ईयर का कोई कोर्स या प्रोग्राम किया उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने A और B एग्जामिनेशन जिस तरह से एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इंजीनियरिंग किया है, एरोनॉटिकल सोसाइटी में अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली है उसमें भी आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स की आपने 10+2 में आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में। ग्रेजुएशन या इंटीग्रेटेड कोई भी PG कोर्स किया है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में आप अप्लाई कर सकते हैं।
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 10+2। आगे 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिकल डिग्री, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ग्राउंड ड्यूटी अब यहाँ पर देखिए, नॉन टेक्निकल के लिए बैचलर डिग्री वालों को 60% चाहिए, बैचलर डिग्री कॉमर्स वालों को भी 60% चाहिए। ASCT एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है, अगस्त जो हुए थे, 9, 10, 11 को होने वाले हैं। फ्लाइंग लिमिट्स की बात करते हैं तो फ्लाइंग लिमिट्स में NCC स्पेशल भी होगा, ASCT भी होगा। एंट्री के लिए 20 से 24 साल उम्र है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, यानी फ्लाइंग के लिए आपकी उम्र 20 से 24 होनी चाहिए, ग्राउंड ड्यूटी की बात करते हैं उसमें एज आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 होनी चाहिए। अगर आप सैलरी सुनेंगे ना तो आप सैलरी सुनकर हैरान हो जाएंगे, फिर भी मैं आपको सुनाऊंगी। 56,000 से लेकर 1,77,500 सैलरी जो है इसके बीच में होने वाली है, और तमाम आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होने वाला है। और आपको बता दें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, इन सब डॉक्यूमेंट्स के बाद आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन 20 से 24 साल फ्लाइंग के लिए है, और आप अगर भरना चाहते हैं, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है बिना समय गवाए इसमें लॉग इन कर दें, क्योंकि 30 मई से आपके फॉर्म्स लगना शुरू हो गए हैं और ये फॉर्म आपके जो है अभी लगेंगे 28 जून तक। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है इसमें अप्लाई जरूर करना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स में जाना आपका प्रेस्टीज, आपका मान भी बढ़ाता है, देश की सेवा आपको भी करनी है, और देश की सेवा के साथ साथ आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, और जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।